ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। और वो दुर्योधन के कहने का तात्पर्य ये है कर्ण कि शत्रु को भान नहीं होना चाहिए कि उन पर आक्रमण की तैयारियां हो रही हैं और युधिष्ठिर अब कोई सामान्य कुमार नहीं है, युवराज है, युवराज, और उस पर आक्रमण करने से पूर्व भीषण तैयारियां करनी होंगी और वो भी गुप्त रूप से, है ना मेरे होने वाले सम्राट? गुप्त रूप से क्यों? तुम तैयार हो, मैं प्रस्तुत हूं और अब तो मगध नरेश भी एक पुकार में सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे मित्र। हाँ मित्र, जरासंध विजय पर मैं तुम्हें बधाई देना तो भूल ही गया, अद्भुत कारण तुमने मगध नरेश को पराजित नहीं किया है बल्कि दुर्योधन के विश्वास को जिताया है। ये मुकुट तुम पर बहुत शोभा देता है कर्ण। मित्र, मैं भी तुम्हारा हूं, ये मुकुट भी तुम्हारा है। ये मुकुट मेरे लिए महत्व नहीं रखता, मेरे लिए केवल एक बात महत्व रखती है, ये अतिशीघ्र ही मेरा मित्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हो। महाराज कुमार की जय हो। भुगत ग्राम में विकट समस्याएं आ गई हैं। वहां पर अंगराज की उपस्थिति तुरंत आवश्यक है। आज्ञा दीजिए मित्र, बहुत जल्द सेवा में प्रस्तुत होता है। क्या बात है मामा, क्यों रोका मुझे आपने? क्या आपको कर्ण की मित्रता और निष्ठा पर संदेह है? ना 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 ना, कर्ण की निष्ठा पर मुझे कतई संदेह नहीं ना, परंतु उचित और अनुचित को लेकर उसके विश्वास पर भी संदेह नहीं। समझ गए? और हां, कर्ण को हम बुलाएंगे, अवश्य बुलाएंगे, किंतु तब जब हमें एक योद्धा की आवश्यकता होगी। हाँ, कर्ण केवल एक युद्ध का पासा है दुर्योधन, केवल युद्ध का पासा, षड्यंत्र के चौपद में उसका कोई स्थान नहीं। इसीलिए उसे इस योजना से दूर रखना ही श्रेयस्कर होगा। समझ गए? वाह मामा, वाह। इसकी हर वस्तु को नष्ट कर दो। अरे इतने दिनों तक ये कर्ण के साथ रही, अविवाहित होने के पश्चात भी, ये तो पाप है, ये पतिता है, इसलिए इससे जुड़ी हर वस्तु को आज हम इस अग्नि में भस्म कर देंगे
जला दो। और नहीं तो क्या, हमारी भी पुत्रियां हैं, और अगर इसे दंड नहीं दिया गया तो इन्हें भी अनुचित करने की प्रेरणा मिलेगी। पिताश्री, आप कुछ कहते क्यों नहीं? पिताश्री, क्या आपको भी यही लगता है कि आपकी पुत्री पतिता है, कि उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके मान के विरुद्ध है? क्या आपको ऐसा लगता है पिताश्री कि आपकी पुत्री अपनी मर्यादा को पार कर सकती है? मुझे अपनी पुत्री पर विश्वास है, मुझे अपनी पुत्री की पवित्रता पर विश्वास है, परंतु तेरा पिता होने के साथ साथ मैं समाज का एक सदस्य भी हूँ, और हर समाज के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं बदल सकता, तेरा विवश पिता भी नहीं। जला दो इसकी सारी वस्तुओं को और इसे इस भुगत ग्राम से बाहर निकाल दो, यहां पर इसके लिए कोई स्थान नहीं है। आप सब की बात का समर्थन करता हूं, उचित किया आप लोगों ने, ऐसा ही करना चाहिए। जला दीजिए वो हर वस्तु जिसे रोशाली ने स्पर्श किया। कि अपवित्र वस्तु को पवित्र करने का एक ही मार्ग है कि उसे पवित्र अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप सबको लगता है कि रुशाली भी अशुद्ध है तो इसे भी जला दो, परंतु इस नाते आप सबको भी इस अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण दे देने चाहिए, क्योंकि आप सबने भी रोशाली की वस्तुओं को स्पर्श किया। आप में और उन उच्च वर्ग के नागरिकों में कोई अंतर नहीं, वो आप पर अनीति करते हैं क्योंकि वो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, और आप रोशाली पर अन्याय करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपसे दुर्बल है। हाँ, रोशाली अविवाहित है, परंतु विवाहित तो मैं भी नहीं, और हम दोनों साथ थे। फिर आपने केवल रोशाली का बहिष्कार क्यों किया? मेरा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि रोशाली एक स्त्री है और मैं एक पुरुष, या इसलिए कि मैं आपसे अधिक शक्तिशाली हूं? आपने कहा था कि आपकी भी पुत्रियां हैं, फिर आप ऐसे कैसे कर सकती हैं?
मुगत ग्राम की हर पुत्री को रुशाली से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उसने हम जैसों के उत्थान के लिए, हमारे सम्मान के लिए इस संघर्ष में हमारा साथ दिया। रुशाली के कारण मुगत ग्राम का अपमान नहीं सम्मान बढ़ा है। आज मेरे मन में खेद है कि हमारी दुर्दशा का कारण स्वयं हमारी अपनी सोच है। ठीक कहा आपने कि यह स्थान रुशाली के लिए नहीं, क्योंकि उसमें और आप में बहुत अंतर है। जब भी आपको देखता हूं तो मन धुतकारता है कि मैं किसके लिए संघर्ष कर रहा हूं, और जब भी रुशाली को देखता हूं तो अनुभव होता है कि हाँ, मुझे उसके लिए संघर्ष करना है। आप तो रुशाली के पिता हैं, फिर भी आपने उनका साथ दिया। यदि यही कार्य आपका पुत्र करता है तो क्या आप उसे अस्वीकार कर देते, उसकी वस्तुओं को जला देते? संसार की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा भाव विश्वास होता है। मैं रंगभूमि में सफल हो पाया, मैं जरासंध को पराजित कर पाया, क्योंकि मेरे साथ मेरी माता का विश्वास था, रुशाली का विश्वास था, और आप उसी विश्वास को अग्नि को समर्पित करना चाहते हैं। मुझे रुशाली पर विश्वास है, उसकी पवित्रता पर विश्वास है, उसकी महानता पर विश्वास है। कर्ण को हस्त्री की शक्ति पर विश्वास है। रुशाली अब जान नहीं रहेगी, रुशाली अब भुगत ग्राम में नहीं, अंग देश में रहेगी। वो अंग जो समानता में विश्वास करता है, वो अंग जो परिवर्तन का प्रयास करता है। अंग तुम्हारा स्वागत करता है रुशाली। करेगा निसंदेह महाराज, सर्प जितना सुंदर हो उतना अधिक विषैला होता है। इस लक्ष्य ग्रह की सुंदरता इतनी होगी कि आपके शत्रु इसमें रहने का
मोह नहीं त्याग पाएंगे, कुछ त्यागेंगे तो अपने प्राण, क्योंकि इस लक्षा ग्रह में लगी अग्नि का ताप असहनीय होगा। ज्वाला इतनी शीघ्रता से फैलेगी कि उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझेगा। तो निर्माण प्रारंभ करो पुरोचन। जो आज्ञा राजकुमार। मामा, यहां भवन का निर्माण पूर्ण होगा। वहां पांडवों के निर्माण की तैयारी। सत्य वचन मेरे होने वाले सम्राट, सत्य वचन। परंतु जब तक पुरोचन भवन बनाएगा, तब तक क्या तुम स्वप्नों में ही व्यंजन पकाते और चखते रहोगे? मामा, आपका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य तात्पर्य मार्ग में कांटे सबको मिलते हैं। एक मूर्ख यात्री केवल कांटों को झाड़कर आगे बढ़ जाता है, परंतु एक बुद्धिमान यात्री कांटों के वृक्ष को ही समूल नष्ट कर देता है, समूल, ताकि कोई दूसरा कांटा जन्म ना ले। दूसरा कांटा? हाँ मेरे होने वाले सम्राट, दूसरा कांटा। मान लो ईश्वर की कृपा या नियति के पक्षपात के कारण पांडव लाक्षागृह से बच निकले तो? तुम्हें क्या करूं मामा श्री? विवाह। मामा क्या कह रहे हैं आप? विवाह? विवाह, और वो भी युधिष्ठिर से पहले, ताकि कुरुवंश की अगली पीढ़ी में ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारा ही हो। सोचो, यदि तुम्हारा जन्म पहले हुआ होता तो उत्तराधिकार में पांडवों का पक्ष शून्य होता, शून्य। पांडव नामक कांटे के वृक्ष से अगला शूल तुम्हें न चुम जाए, इसलिए युधिष्ठिर से पहले तुम्हें विवाह करना ही होगा। परंतु अचानक मेरे विवाह की बात। मामाश्री, राजनीति की चौसर पर अंतिम चाल क्या होगी, ये पहली चाल चलने से पूर्व ही सोच लेना चाहिए दुर्योधन। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि कलिंग के कन्या के स्वयंवर का न्योता कल राजसभा में आने वाला है, और कलिंगवासी युद्ध कौशल के लिए विख्यात है। सोचो, सोचो मेरे होने वाले सम्राट, सोचो। ऐसे कुल का जामाता कोई बनेगा तो उसकी शक्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी, और युवराज होने के नाते युधिष्ठिर को स्वयंवर में जाने को कहा जाएगा। ऐसे में तुम्हें क्या करना है ये तुम भली भांति जानते हो मेरे होने वाले सम्राट। तुम जानते हो ना कर्ण, तुमने क्या किया है? अग्नि को साक्षी मानकर मुझे मेरे घर से अपने घर ले जा रहे हो, जानते हो ना इसका अर्थ? क्या तुम सच में मुझसे विवाह करोगे?
चले। सारथी प्रस्थान करो। क्या हुआ? कोई बुरा स्वप्न देखा? हाँ कर्ण, बहुत ही भयानक स्वप्न था। मैंने देखा कि तुम विवाह के पोशाक में किसी स्त्री के साथ रथ पर सवार हो और मैं सारथी बनकर रथ की भागदौड़ संभाले हूँ। ऐसे स्वप्न कैसे आ सकते हैं मुझे? तुम स्वप्न में भी किसी और स्त्री के साथ कैसे ब्याह कर सकते हो? स्वप्न तुम्हारा और आरोप मुझ पर। छेड़ो मत मुझे कर्ण, मैं बहुत भयभीत हूँ। मैंने सुना है कि स्वप्न भविष्य का संकेत होते हैं। मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया? कहीं यही मेरा भविष्य तो नहीं? शांत हो जाओ रोशनी, शांत हो जाओ। अच्छा पता कि तुम्हारे स्वप्न में तुमने उस स्त्री का मुख देखा। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वो कोई और स्त्री थी? तुमने ठीक कहा कि स्वप्न भविष्य का संकेत होता है। यदि हम जीवन को रथ मानकर चलें, तो ये स्वप्न संकेत कर रहा है कि इस राधेकरण की जीवन संगनी भी तुम हो और सारथी भी तुम। जिस पुरुष की पत्नी उसकी सहयात्री होने के साथ साथ मार्गदर्शिका भी हो तो बड़ा भाग्यशाली होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं रोशनी। ईश्वर करे इस स्वप्न का संकेत वही हो जो तुमने समझाया, वो नहीं जो मैंने समझा। आज के लिए पर्याप्त समझ लिया रोशनी। अब भोजन कर लेते हैं ताकि भोर तक अंग पहुंच सके। अंगराजकरण की जय।
अंग अपने राजा का स्वागत करता है। आप अति शीघ्र लौट आए अंगराज। हाँ, क्योंकि आप सबको शुभ सूचना देनी थी। मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया। अंग देश को उसकी महारानी बहुत शीघ्र ही मिलेगी। अंग की रानी कौन होगी मित्र? वो शीघ्र ही यहां आएंगी मित्र, स्वयं देख लेना। तो आपने अंग को महारानी देने का कौन सा दिवस निश्चित किया? पूर्णिमा से अगले दिवस प्रतिपद को विवाह होगा। मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन प्रारंभ होगा। तो दिवस तो अति अल्प रह गए हैं। मित्रों, चलो अपने राजा के विवाह की तैयारियां शुरू की जाएं। चलो चलो चलो। कर्ण, मैं सोच रही थी कि बिना माता पिता के विवाह, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? वैशाली, हमारा विवाह माता पिता के आशीर्वाद से ही होगा। मैंने माता और पिता श्री को यहां आने का संदेश दे दिया है और तुम्हारे पिताश्री को भी निमंत्रण भिजवा दिया है। वैशाली, कन्या की आंखों में अश्रु विदाई के समय आने चाहिए, उससे पूर्व नहीं। तो तुम भी स्वयंवर में जाना चाहते हो पुत्र? हाँ पिताश्री। नहीं कुमार, ये नियम के विरुद्ध है। जब तक ज्येष्ठ पुत्र अविवाहित है, युवराज अविवाहित है, तब तक कोई और कुमार स्वयंवर में नहीं जा सकता। युवराज अविवाहित है, तब तक कोई और कुमार स्वयंवर में नहीं जा सकता। विदुर महोदय, ये कौन सा नियम है कि एक पुत्र अपने पिता से मन की बात बिना कह सके? और रही बात राजनियम की, तो सम्राट राजनियम बनाते हैं, वो स्वयं उसके अधीन नहीं होते। उनकी कही हर बात अघोषित नियम है। और कारण विवाद क्यों करना है दुर्योधन? ना बात यदि युवराज की है तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। हैं? क्यों युवराज युधिष्ठिर? जहां तक मैं समझता हूं, आप अपने अनुज का यह निवेदन अस्वीकार नहीं करेंगे।
निसंदेह है मामा श्री, यदि अनुज दुर्योधन स्वयंवर में साथ जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्हें अपने साथ ले जाकर मुझे प्रसन्नता होगी। साधु साधु, आपका अपने भाई के प्रति प्रेम अतुलनीय है। लीजिए महामंत्री विदुर, हो गया विवाद का निवारण। अब दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक स्वयंवर में जाएंगे और यदि कुमार दुर्योधन साथ रहेंगे तो युवराज युधिष्ठिर की सुरक्षा भी हो जाएगी। और अपने भ्राताओं की सुरक्षा के लिए मैं साथ जाऊंगा ज्येष्ठ पिताश्री। भ्राताओं की सुरक्षा के लिए मैं साथ जाऊंगा ज्येष्ठ पिताश्री। स्वागत है अर्जुन, स्वागत है तुम्हें। मेरा एक मित्र भी तुमसे मिलने के लिए मिलाए। विशेषता इस हस्तिनापुर के बाहर, वो भी हमारे साथ चलेगा। विदुर, कलिंग नरेश को संदेश भेज दिया जाए कि हस्तिनापुर के कुमार स्वयंवर में पधार रहे हैं। मामा, आपने कहा था ना कि कर्ण युद्ध का पासा है, षड्यंत्र का नहीं। हाँ। तो अब इस पासे को अंग से बुलाने का समय आ गया है। मेरे होने वाले सम्राट। देख रहे हो कर, इतने सुंदर फूल है ना, हम हमारे विवाह में ऐसे ही पुष्पों से सज्जा कर रहे हैं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि माता और पिता शीघ्र ही आते हो। मेरे पिताश्री आएंगे या नहीं ज्ञात नहीं, अच्छा एक बात बताओ, क्या सोचा है तू? विवाह के पश्चात तुम्हारा घर कैसा होगा? पहली बात, वो मेरा घर नहीं, हमारा घर होगा। और दूसरी बात, वो भले छोटा होगा परंतु सुंदर होगा।
भित्तियों पर सुंदर सुंदर कलाकृति, दोनों पर कलाकृतियों श्वेत और दूसरे रंग की यावनिकाएं, और खिड़की से ऐसा दृश्य होगा जहां से सूर्य भी दिखे और चंद्रमा भी, और हाँ ऐसी सुंदर और सुगंधित पुष्प सज्जा हो, और हे ईश्वर पुष्प सज्जा का कार्य अधूरा पड़ा है, तुम भी ना मुझे बातों में उलझाकर ना स्वयं कुछ करते हो ना मुझे कुछ करने देते हो। कहा मैंने सोचा था कि तुमसे पुष्प सज्जा में सहायता लो, परंतु तुम जैसे कठोर योद्धा कहां से इन कोमल से पुष्पों को समझेगा। तुम्हारे साथ रह रहकर समझ गए लगा मेरा प्रबंध अद्भुत अति सुंदर। हमारा प्रेम इन फूलों की तरह रहेगा, अद्भुत और अति सुंदर, जो सारे संसार को सुगंधित कर देगा। इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम। वो क्या? ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं।